पर एक साधना है योग साधना। योग साधना आध्यात्मिक है, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसकी अनुभूति के लिए वो साधना की जाती है। शरीर को स्वस्थ रहना ये उसका पहला नियम है, ये उसकी पहली सीढ़ी है उस साधना की। पर उस साधना में जैसे शरीर का ठीक रहना आवश्यक है, वैसे मेरा मन भी मेरे वशीभूत रहना चाहिए, मेरी इंद्रियां भी मेरे वशीभूत रहनी चाहिए, मेरा चित्त भी मेरे वशीभूत रहना चाहिए। जैसे जैसे मैं अपनी साधना की इन सीढ़ियों को चढ़ता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं साधना की इन सीढ़ियों को चढ़ता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं योग की साधना में परिपक्व होता जाता हूँ। आपके आसन बढ़िया लग जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, ये योग साधना नहीं है। योग का मतलब कई बार हम 2+2=4 उसको योग बोलते हैं ना, पर यहाँ इस योग का अर्थ 2+2=4 नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है उस परम सत्ता के साथ एकाकार कर देना, अपने आप को जोड़ देना। योग का अर्थ आत्मा को परमात्मा के भीतर मिला देना है। एक कबीर जी की दो लाइन आती है, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। हम इस मन को ऐसे वशीभूत कर लें, अपने अपने नियंत्रण में ले लें, इसको हम अपने ईश्वर के साथ ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें जैसे कि बूंद जब समुद्र में मिलती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है, स्वयं भी समुद्र बन जाती है, स्वयं भी समुद्र बन जाती है। पर इसने ताली तो बजा दी, कबीर जी ने तो ये भी कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराय, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। आप कैसे कहेंगे कि बूंद पानी में समुद्र में समाई कि समुद्र बूंद में समाया, ये कहना बड़ा कठिन है, पर ये सत्य है कि समुद्र और बूंद दोनों मिलकर एक हो गए। ये है योग साधना। जब वो आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है और जब दोनों मिलकर बोलिए उसको योग साधना कहते हैं। गीता में आता है समत्व योग उच्चते। हमेशा जीवन में जब हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं, समवस्था बनाना सीख जाते हैं, विषम अवस्था को समवस्था में बदलना सीख जाते हैं, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना सीख जाते हैं, वास्तव में तब जीवन में योग आता है। बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं, गृहस्थी लोग हैं, बाहर के थपेड़े पड़ते हैं, समाज के अंदर न जाने कितने अवरोध जीवन में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब आपके अंदर शक्ति आ जाती है बिना संतुलन बिगाड़े उन अवरोधों को पार करने की, तो सोच लेना आप सच्चे योगी बन गए। उसे बोलते हैं योग।